नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रेखाज ब्लॉग लाइफ, और यह हर संडे या वेडनेसडे को शाम को 7 बजे आता है। आज मैं आपको बहुत सुंदर बटरफ्लाई गार्डन और कैक्टस गार्डन दिखाने वाली हूँ जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है। तो चलिए आते हैं पहले कैक्टस गार्डन में। और ये है कैक्टस गार्डन का एंट्रेंस गेट, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बाहर से देख के ही लग रहा है कि ये भीतर भी बहुत ही सुंदर होगा। देखिए कितने सुंदर कैक्टस के साथ इनको सजाया गया है, और भीतर में काफी बड़ा एरिया है। हम लोग भीतर एंटर कर चुके हैं। दूर दूर तक फैला हुआ ये गार्डन है, बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूर में ग्लास हाउस हमें दिख रहा है, जिसमें बताया गया है कि बहुत ही सुंदर और बाहर से लाए हुए कैक्टस उसमें रखे हुए हैं। तो हम लोग ग्लास हाउस में चलते हैं भीतर, और ये है ग्लास हाउस। भीतर देखिए एक से एक कैक्टस है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैक्टस के ही प्लांट्स दिखेंगे। फूल देखिए जरा, जैसे लगता है कोई बना के आर्टिफिशियल रख दिया हो। सभी ओरिजिनल यहाँ पे प्लांट्स हैं, और ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से लाया गया हुआ प्लांट है, और बहुत ही वैरायटी है। सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं। चूंकि ये डेजर्ट एरिया है, हिली एरिया है, तो प्लांटेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रीनरी बनी रहे और लोगों को भी अच्छा फील हो। ऑक्सीजन की जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत ही खूबसूरत ग्लास हाउस बना हुआ है, ये बहुत बड़े रूप में बना हुआ है। देखिए इस कैक्टस को, जैसे लगता है किसी ने पेंट कर दिया हो। एक्चुअली देखा जाए तो आंखों से विश्वास नहीं हो रहा है, जगह जगह नाम लिखे हुए हैं कैक्टस के। आंखों से विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअल कैक्टस है। और छूने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सब में बहुत ही शार्प कांटे लगे हुए हैं जो आपकी उंगली में सुई की तरह चुभ सकते हैं। देखिए इसका भी नाम है, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने तरह के कैक्टस होते हैं और इतने सुंदर फूल वाले होते हैं। एक एक कैक्टस के फूल देखने लायक है, विश्वास ही नहीं होता है कि वो ओरिजिनल फूल है। देखिए कितने बड़े साइज में ये कैक्टस हैं। तो हमें लगता है इंडिया का सबसे खूबसूरत ये कैक्टस गार्डन है, जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। आप लोग जब भी गुजरात और बड़ौदा हैं, यहाँ पे आना ना भूलें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है ये, काफी बड़ा एरिया डेवलप किया गया है। ये देखिए रेड फ्लावर को कितना खूबसूरत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आने के लिए आपको 2 दिन जरूर चाहिए, कि बहुत अच्छी अच्छी चीजों का डेवलपमेंट है। अच्छे अच्छे पार्क हैं, गार्डन है, बोटिंग है, जो आप बहुत अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतनी वैरायटी है कैक्टस की कि नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। देखिए इसका भी फ्लावर बहुत सुंदर है। और एक बड़ी बात है, कैक्टस में जो भी फ्लावर होते हैं बहुत दिनों बाद होते हैं, और वो बहुत दिनों तक रहते हैं। चूंकि वो बहुत ही दिनों बाद होते हैं, पेड़ बहुत पुराना हो जाता है, प्लांट बहुत पुराना हो जाता है, तब वो फूल आते हैं उस पे। लेकिन रहते भी काफी दिन है, तो काफी दिनों तक इनको देखा जा सकता है। और कैक्टस के जितने भी फूल आते हैं बहुत ही ब्राइट कलर में होते हैं, आपको दूर से नजर आ जाएंगे कि हाँ ये फूल खिला हुआ है। कुदरत का नजारा है, कुदरत की पेंटिंग है। कलर कॉन्ट्रास्ट देखिएगा, इतना सुंदर है फूल और प्लांट का। देखते ही मैंने मन नहीं भर रहा है ना आंखें भर रही। देखिए ये फूल का रंग देखिए कितना खूबसूरत है, आंखों में नहीं समा रहा है। ये इतना खूबसूरत है, उतना खूबसूरत ये कैमरे में भी नहीं आ सकता है जितना कि ये आंखों से दिख रहा है। और ग्लास हाउस इतना बड़ा है, आप शायद पूरा दिन दे दें यदि आपको डिटेल में देखना हो तो। ग्लास हाउस के बाहर भी बहुत सारे कैक्टस हैं, तो धीरे धीरे आप वो भी देखिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को पूरा कवर करने की, और थोड़ा स्पीड में कैमरा रखी हूँ, नहीं तो ये कवर नहीं होगा। और हम लोग अब आ गए बटरफ्लाई गार्डन में, जो कि इससे सटे हुए ही है। ये देखिए मैं अपना सेल्फी दिलवा रही हूँ, कितनी बड़ी बटरफ्लाई इन्होंने सेल्फी पॉइंट के लिए रखा है। और जगह जगह बहुत सुंदर गेट बनाया है। हर प्लांट्स के साथ देखिए बटरफ्लाईज हैं, बहुत तरह की बटरफ्लाईज हैं। मन खुश हो जा रहा है, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज हैं। चूंकि ये एक जगह बैठ नहीं सकती तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये देखिए बड़ी मुश्किल से एक मैंने कैच किया है, कैमरा आते ही वो उड़ जाती हैं।
लेकिन हर तरह के प्लांट्स में बटरफ्लाइयाँ भरी हुई हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। बहुत जगह यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है बटरफ्लाई सब देख के। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये हो गया ख़त्म बटरफ्लाई गार्डन भी, और मैं चली घर की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा।